हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल विच इज एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लास 9th मैथ्स. ओके, यू कैन सी हियर देयर इज ए डायग्राम इन विच कुछ कंडीशन गिवन है, लाइक एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री. सो आपने फाइंड करना है मेजर ऑफ एंगल BOE दिस एंगल एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE. ओके, COE दिस एंगल इज COE, बट आपको इसका रिफ्लेक्स फाइंड करना है. रिफ्लेक्स मतलब ये जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया. ओके, सो हाउ वी विल फाइंड दिस टू वैल्यू. ओके, लिसन, लुक दिस एंगल AOC प्लस BOE इक्वल टू 70. ये दो एंगल का सम 70 गिवन है. कौन कौन से हैं? AOC दिस एंगल, ओके, एंड BOE दिस एंगल, ओके, दिस एंगल. द सम ऑफ दीज टू एंगल इज 70 डिग्री. ओके, इसकी हेल्प से तो आपको एक कंडीशन पता है. यस, दिस इज लीनियर पेयर. ओके, चैप्टर 6 में इसको क्या बोला जाता है? लीनियर पेयर. सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180, तो दिस कंडीशन इज नोन एज लीनियर पेयर. यहां पर जितने सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल इज 180, तो यहां पर हम क्या करेंगे? स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी लगाने वाले हैं. आप देख रहे हो AOB एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऊपर जितने भी एंगल होंगे दिस, इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होगा. ओके, तो इसकी हेल्प से ही क्या करेंगे हम? ये COE फाइंड कर लेंगे. ठीक है, आइए, वी नो दैट एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 180 बाई स्ट्रेट लाइन प्रॉपर्टी. क्लियर एवरीवन? 1, 2, 3 तीनों एंगल का सम 180 हो सकता है. यहां से स्ट्रेट लाइन एंगल फॉर्म हो रहा है यहां पर. ठीक है, अब इस कंडीशन का यूज कीजिए. AOC और BOE दोनों मिलकर 70 दे रहे हैं आपको. ठीक है, तो दिस AOC और BOE दोनों की जगह मैं कंबाइन वैल्यू 70 पुट कर सकता हूं. रिमेनिंग एंगल इज एंगल COE इज इक्वल टू 180. शिफ्ट कर दीजिए, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए. एंगल COE इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री. सो मेजर ऑफ एंगल COE इज 110. ओके, बट दिस इज नॉट आवर आंसर. ओके, हमें COE नहीं फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था रिफ्लेक्स ऑफ COE. तो किसी भी एंगल के सामने अगर रिफ्लेक्स लग जाए तो उस एंगल की जो मेजर है उसको 360 में से माइनस कर देते हैं. ओके, सो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360 माइनस 110, सो इट विल गिव 250 डिग्री. ओके, दिस इज आवर आंसर. ओके, चलिए, ये तो फाइंड हो गया है. नाउ एंगल BOE, दिस इज एंगल BOE. ओके, वी हैव टू फाइंड दिस एंगल. अब आपको एक प्रॉपर्टी पता है, क्लास 7th में आ जाती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल. ओके, इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, जब दो लाइन आपस में क्रॉस करती हैं तो जो अपोजिट एंगल होते हैं उनकी मेजर सेम होती है, उनको बोला जाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल. तो जब ये 40 है तो ये वाला भी 40 होगा. ओके, वर्टिकल अपोजिट एंगल फॉर्म कर रहे हैं. ओके, और एक बात हमें और पता थी, द सम ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल वाज 70 डिग्री. तो जब ये 40 हो गया तो वो कितना होगा? सिंपल 30 डिग्री. ओके, एंड सो वी कैन फाइंड एंगल BOE सब्ट्रैक्ट 40 फ्रॉम 70. तो 70 माइनस 40 इज इक्वल टू 30 डिग्री. क्लियर एवरीवन? एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2. ओके, इट इज गिवन दिस एंगल इज 90 डिग्री गिवन एंड रेशो बिटवीन ए एंड बी, दिस ए एंड बी वाज 2:3 एंड यू हैव टू फाइंड एंगल सी. सी की मेजर आपको फाइंड करनी है. ये जो एंगल नीचे लिखा हुआ है ये आपको फाइंड करनी है. ओके, क्लास 6 से ही रेशो का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है. तो जब भी आपको पता है कि अगर कोई क्वांटिटी में रेशो गिवन होता है तो हम उस पर कोई भी वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, कोई एक्स या के, वो आप पर डिपेंड करता है. लेट ए इज इक्वल टू 2K एंड बी इज इक्वल टू 3K. ओके, अब मेरे पास ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये ऑलरेडी था ही, ये 90 डिग्री गिवन है. ठीक है, तो क्या मैं स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर? ए प्लस बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, स्ट्रेट लाइन एंगल प्रॉपर्टी. भाई स्ट्रेट लाइन है या तो सम 180 होगा सभी का. ठीक है, क्लियर? वैल्यू ऑफ ए 2K, वैल्यू ऑफ बी 3K एंड इट इज 90 180. सो आफ्टर एडिशन इट विल गिव 5K
ट्रांसपोज टू दिस 90, इट विल गिव 180 माइनस 90, इट विल गिव 90. सो वैल्यू ऑफ 5k इज 90, वैल्यू ऑफ k इज 18 डिग्री. ओके, आफ्टर डिविजन बाई 5 यू विल गेट वैल्यू ऑफ k 18. तो k की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई. अब हमें तो क्या करना है, हमें तो c पर पहुंचना है. तो c पर जाने के लिए आपको b पता लग गया, तो आप क्या कर सकते हो, ये लीनियर पेयर लगा सकते हो. ये भी तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये वाली भी तो एक स्ट्रेट लाइन है. सो एंगल b इज इक्वल टू कितना था, 3k. तो 3 इंटू 18 इट इज 54. अब b आ गया है मेरे पास, तो और मुझे पता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग b और c क्या बना रही है, कि स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रही है, स्ट्रेट एंगल. तो सो वी नो दैट b प्लस c इज इक्वल टू 180. b की वैल्यू आ ही गई है 54. यू हैव टू फाइंड c. सो वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 180 माइनस 54. After subtraction, it will give 126. This is value of C. Okay, I hope.